अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। जिसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी आप देख रहे होंगे इधर ये मैं कहीं और ये रंडी लेके आ गया हूँ। क्यों लेके आया अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो ना काफी मजेदार होने वाली है। और सबसे पहले इधर आप देखें किचन, माशाल्लाह से किचन का फर्श का काम हमने स्टार्ट किया था। ये ईंटें पिछले दिन हम लगा रहे थे, कुछ कल ईंटें भी लगाई हैं, परसों भी लगाई हैं और आज भी कुछ ईंटें लगा कर ये सारा काम जो हमने कंप्लीट किया। ईंट वाला काम आज ही कंप्लीट हुआ है ना, क्योंकि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा हम भाई इधर बकरियां देने के लिए गए हुए थे तो पूरा दिन हमारा उधर ही लग गया था। तो आज ये सारा काम कंप्लीट हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह ये सारी ईंटें जो है ना लग गई। आगे का फर्श का काम जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है ना वो काफी मजेदार होने वाली है। वो इस तरह आज हमने एक बड़ी मजेदार सी रेसिपी जो है ना तैयार करने लगे हैं, फर्स्ट टाइम ही बनाने लगे। देखते हैं भाई किस तरह बनती है और भाई काफी मेहनत लगने वाली आज की रेसिपी में ना। आपने मैं वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन सब्जी। तो ये सारी रेसिपी चिकन सब्जी की तैयार भी करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। चिकन जो है ना उसको फुल हमने ना पकाना है, फुल रोस्ट करना है उसको। तो वही आज चिकन जो है ना रोस्ट करेंगे और आपके साथ ये सारी चिकन सब्जी की रेसिपी जो शेयर करेंगे। तो ये रेसिपी जो है ना हमने तैयार करनी है इस जगह पे। तो ये जगह जो है तैयार करने के लिए इधर मैं कहीं और रंबी लेके आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा खड्डा बनाना है, एक चूल्हा जो है ना यहाँ पे तैयार करना मिट्टी के साथ ना। एक बड़ा सारा खड्डा बन जाएगा ना तो उसमें फिर आग जलाएंगे, उसी में पूरा चिकन जो है ना रख देंगे। तो कुछ इस तरह चिकन सब्जी की रेसिपी तैयार होने वाली। कहीं की मदद से ना मैंने इतना बड़ा खड्डा बना दिया है। तो इसमें ना चिकन सब्जी जो है ना वो हम तैयार करेंगे। तो ये खड्डा जो है चिकन के हिसाब से काफी है, देखना कितना बड़ा खड्डा बने, चिकन जो है पूरा आ जाएगा इसमें। तो फिलहाल अभी मैं रंबी भी लेके साथ आया था, तो इसकी मदद से इसकी साइड जो है ना और ये नीचे इसका थल्ला है ये वाला ना नीचे वाली से ये थोड़ा बराबर कर लेते हैं। चिकन सब्जी को पकाने के लिए खड्डा जो है माशाल्लाह से वो इस तरह तैयार कर दिया। और अभी इधर मैं मिट्टी लेके आ गया हूँ, ये चिकनी मिट्टी है जो चिकन सब्जी हम तैयार करेंगे ना, जिस कल्ली में डाल के उसको हमने चूल्हे में रखना है ना पकाने के लिए। तो फिर ऊपर से ना ये चिकनी मिट्टी भी लगा देंगे, इससे ये होगा कि हमारा चिकन जो है ना अंदर से अच्छी तरह पकेगा। तो अभी ये मिट्टी में लेके आया, चिकनी मिट्टी लेके इतने बड़े बड़े रोड़े लेके आया। अभी इसको ना हम कूट लेते हैं, इसको बारीक बारीक कर लेते हैं। मिट्टी की कुटाई जो है ना वो मैंने इस बर्तन में कर दी है, ये देखें इस तरह। अब ना इसमें पानी डाल के ना कीचड़ जो है ना इसका थोड़ा सा तैयार कर लेते हैं। चिकनी मिट्टी का गारा जो है ना वो मैंने तैयार कर लिया है, ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह। तो अभी इसको रख देते हैं साइड पे, जब चिकन को ना कल्ली में हम बंद करेंगे ना फिर ऊपर से ये लगाएंगे। और अभी मैं इधर तो यहाँ से भी नींबू जो है ना ये तोड़ लेते हैं माशाल्लाह से। आपको पता होगा जब चाचू वसीम ने घर का काम स्टार्ट किया था ना तो काफी सारे पौधे जो है ना वहां से निकाल लिए थे, तो काफी सारे पौधे जाए भी हो गए थे अंदर से। फिर ये एक नींबू का पौधा हमने वहां से निकाल लिया था, तो ये निकाल के हमने इधर लगा दिया माशाल्लाह से, ग्रो जो है ना वो कर गया। और देखे आज नींबू जो है ना वो काम आ रहा है। और अभी इसके ऊपर ना नींबू जो है वो लग ही रहे हैं, अभी कुछ कुछ छोटे भी है और कुछ बड़े भी है, बस मुझे थोड़ी सी नींबू की जरूरत है। चले जी भाई नींबू जो है ना वो मैंने इतने तोड़ लिए। इधर चिकन सब्जी को तैयार करने के लिए सारा सामान जो है वो अम्मी जी ने ला कर रख दिया। फुल चिकन भी लेके आ गए माशाल्लाह से, इधर ये इतनी बड़ी ट्रे भी लेके आ गए, इसमें चिकन को हम रखेंगे मसाला लगा के। और ये परात ले आए, इसमें इसको मसाला लगाएंगे। इधर ये वाली एल्यूमिनियम शीट रही हमारे पास, मसाले आ जाते हैं। इधर आ गए जी मैदा, नमक, सुर्ख दरदरी मिर्च, हल्दी, पीसी खुश्क धनिए, थोड़ा सा येलो फूड कलर और ये राजे जीरा पाउडर। ये है जो खुश्क मसाला जहाँ, इधर एक अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्चों का पेस्ट, इधर है जी लीमू, इधर तिक्का मसाला हमारे पास रहा, ये रहा जी सिरका, बाकी ये चिकन, बाकी ये सारे बर्तन है। तो ये सारा सामान है चिकन सब्जी को तैयार करने वाला। अभी टाइम को जाया नहीं करते, सबसे पहले तो इस पूरे चिकन को ना मसाला जो है ना वो हम लगा देते हैं, इसकी सारी मालिश मुलिश जो है ना वो आज हम कर देते हैं। मिर्चों का जो पेस्ट था इधर ये सारी चीजें डाल दी, अभी ये सारे मसाले और ये सारी अदरक लहसुन मिर्चों का पेस्ट एक ही प्लेट में हो गए, तो अभी इसी में इनको मिक्स कर लेंगे। और अभी ऊपर से डाल देना ये तिक्का मसाला, तकरीबन आधा पैकेट जो है ना वो तिक्के मसाले का आपने इधर डाल देना। और अभी ऊपर लीमू का रस जो है वो डाल देते, ये हम ना तीन चार ऊपर निचोड़ देंगे, क्योंकि ना ये छोटे छोटे साइज के हैं, अगर आपके बड़े साइज के हो ना आप दो निचोड़ दें वो काफी है। और अभी इन सारी चीजों को आपस में कर लेना जी अच्छी तरह मिक्स। माशाल्लाह से मसाला जो है ना वो तैयार हो चुका है, जो चिकन के ऊपर हमने लगाना है। सिरका जो है वो भी हमने इधर ही डाल दिया था, तो और सिरका जो है नहीं डालना, बस अब ये मसाला जो है इधर इस चिकन के ऊपर लगा देना।
माशाल्लाह से कुकड़ को मिसाले जो है ना वो सारे हमने लगा दिए हैं और अभी मेरी बारी आ गई। मैं भाई छुरी लेके हाथों पे छप्पर चढ़ा के आ गई हूँ, अभी मैं अपना काम शुरू करने लगा। वो ये कि कुकड़ के ये जो है ना चेस्ट, तो इसको लगाने की काटे इधर से भी लगा देते हैं, पट्टों को भी इसका काट लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह कट्टों के अंदर मिसाला डाल देंगे ना, कुकड़ के अंदर भी मिसाला आ जाएगा। कुकड़ के ऊपर तो मिसाला जो है ऑलरेडी लग ही गया है, तो अभी टाइम को ज़ाया नहीं करते, कुकड़ के ऊपर कटिंग जो है ना कर देते हैं इस तरह। एक मुझे भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा कुकर की चेस्ट के साथ साथ मेरा हाथ जो है ना वो ना काट जाए। मुर्गी की कटिंग जो है ना वो मैंने कर दी है साइडों से, ये देखें अभी ये जो मिसाला पड़ा है इसकी कटिंग जो काट हमने किया ना ये इसमें डाल देते हैं इस तरह, ये देखना इस तरह कट्टों में मिसाला लगा देना इससे। मुर्गी को सारे मिसाले जो है वो इस तरह लगा दिए, ये आप एक बार करीब से देखें, ये सारे काट भी लगा दिए, कट्टों के अंदर में मिसाला अच्छी तरह लगा दिया, मुर्गी के ऊपर से भी सारा मिसाला लगा दिया, सिरका भी लग गया है, जो सारी चीजें पहले आपको मैंने दिखाई थी। तो ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह ये मुर्गी को मिसाले जो है ना लग गए। तो अब ये मैं एक ना तंदूरी लेके आया हूँ, ये वाला कपड़ा अब ये ऊपर ऐसे डाल के इसको ढांप के तकरीबन एक घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। मुर्गी को रखे हुए तकरीबन एक घंटा हो चुका है, अभी उसको कली ऊपर चढ़ानी है, अभी पकाने वाला काम स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले इधर ये जो खड्डा हमने तैयार किया था इसमें आग जला के मैं आग जो है ना वो तैयार कर लेता हूँ। ये मुर्गी जो है ना हमने अंगारों पर तैयार करनी है, जब अंगारे बन जाए फिर ऊपर वो एल्यूमिनियम शीट चढ़ा देंगे ना, फिर इन अंगारों के ऊपर रखेंगे, फिर इस तरह मुर्गी जो है हमारी पक जाएगी। आग उधर जल गई है और अभी इधर मुर्गी देखे माशाल्लाह से मुर्गी को रखे हुए काफी टाइम हो चुका है, तो अब मुर्गी को ना एल्यूमिनियम की शीट में ना पैक कर लेना है, इसको ऊपर से बंद कर देना है, इसमें ढांप लेना है ये ऐसे। मुर्गी को एल्यूमिनियम की शीट के साथ अच्छी तरह कवर कर दिया, मेरे से भाई कुछ इस तरह हो पाई है। तो असल में अभी मैं और ये ऊपर से पतली तार लेके आया हूँ, ये तार अभी इसके ऊपर ना लपेट देंगे ताकि अच्छी तरह ना मुर्गी जो है ना वो एल्यूमिनियम की शीट के साथ ना चिपक जाए, बाद में ऊपर से शीट उतरे ना अंदर ना ये ऐसे ऐसे मजबूती हो जाएगी ना। अंगारे जो तैयार हुए खड़े मजीद और ऊपर लकड़ी हमने डाल दी ताकि मुर्गी अच्छी तरह पके, बाकी तो एल्यूमिनियम है मुर्गी को मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर ना ये चिकनी मिट्टी का लेप जो है ना वो करना है, ये पहले मिट्टी हमने तैयार की थी। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, ये सारी चिकनी मिट्टी की लेप जो है ना इधर इस मुर्गी के ऊपर ऐसे कर देते हैं, मुर्गी जो है ना इससे बड़ी मजे की पकेगी, ऊपर मिट्टी गर्म हो जाएगी ना अंदर भाप बनेगी। मुर्गी के ऊपर सारी चिकनी मिट्टी जो है ना वो इस तरह लगा दी है, ये देखे माशाल्लाह। तो अब बारी है जी इस मुर्गी को इधर ना इस आग में रखने की, अंगारे जो वो तो मान लिया अभी हल्की हल्की आग जल रही है, तो इसी हल्की हल्की आग में इसको आप रख देंगे, ये मिट्टी भी ऊपर वाली खुश्क हो जाएगी, फिर मुर्गी अंदर ना पकना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सबसे मुश्किल काम यही है मुर्गी को अंदर रखना, मैं वो कैसे रखूं। ऐसे रखनी पड़ेगी, हाथ ना जले मेरे हाथ में लगा दिया। मुर्गी जो है ना वो मैंने कुछ इस तरह आग में रख दी, बड़ा रिस्की था उठा के मैंने अंदर रख दी है, तो अब ये इसी तरह पकेगी, अभी हल्के हल्के आग भी जल रही है, अंगारे जो है वो भी बन गए हैं, ये बड़े वाला ढक्कन लेके आए हैं, ये आप देख लें, तो अब ये ढक्कन ऊपर चढ़ा देंगे ना फिर अंदर भाप बन जाएगी, फिर इससे मुर्गी जो है अच्छी तरह पकेगी, ये समझो ओवन वाला सीन बन जाएगा। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, ढक्कन ऊपर चढ़ा देते हैं, अभी इस मुर्गी को इसी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब थोड़ी सी नीचे पक जाएंगे ना फिर बाद में एक बार इसकी साइड भी चेंज अप करेंगे। चलो ये ढक्कन ऊपर रख देते ऐसे, फर्स्ट टाइम ही हमने बनाई है इस तरह, देखते हैं कि किस तरह बनती है। इसी तरह मुर्गी को तकरीबन दो घंटे हमें पकाना है,
तो मुर्गी की साइड जो है वो भी फिर बाद में अंदर से ना चेंज कर देंगे, लेकिन फिलहाल आधा घंटे तो ऐसे पड़ी हुई है, आधे घंटे बाद भी इसकी साइड चेंज करेंगे। मुर्गी को ना आग में रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, ऊपर से ढक्कन हम चढ़ा के चले गए थे, अभी ढक्कन ऊपर से उठाते हैं, मुर्गी की साइड जो है ना वो चेंज करते हैं। इसके ऊपर ये जो बड़े वाला ढक्कन हमने चढ़ाया ना, ये लोहे का है और गर्म होगा, लोहे का मेरे पास पाइप है जिसको फूंकनी हम बुलाते, इसकी मदद से मुझे हटाना पड़ेगा। ओए होए क्या करें मैं, कितना गर्म हो गया, धुआं निकल रहा है इसमें से, ये देखें। साइड जो है ना वो मैंने चेंज कर दी, कुछ इस तरह में बड़ा मुश्किल काम था ये वाला ना। अब ऊपर से ये ढक्कन आप देख रहे होंगे लोहे वाला, ये अब दोबारा चढ़ाना है, ये भाई बड़ा गर्म हुआ पड़ा है। अब दूसरी साइड भी हो गया, अब दूसरी साइड में भी इसी तरह पका लेते हैं आधा घंटा मजीद। माशाल्लाह से मुर्गी जो है ना वो तैयार हो चुकी है, तो अभी इसको निकाल लेते हैं जी बाहर, चलें जी। ये मुर्गी है, तुम मिट्टी का भट्टा है। मुर्गी है, मेरी नकल कर रहा है, मेरी कॉपी कर रहा है। मैं भी ऐसे ही बनाता होता था, मैंने पहली दफा बनाई है ना। हाँ तो कॉपी तो मेरी की है, मेरी रेसिपी देखी थी। नहीं और ये खुद बनाई है, जैसे पहले आज ना शौक चढ़ा यार, मैं यार पूरी मुर्गी फोन तक हमने बड़े दे दिया, अंदर कहीं भी अच्छी है, मेरी बड़ी हुई खाती है कि कोई ना, खाई हुई है, खाई हुई है ना, चलो आज पता चल जाए। चलो खोले एक दिन, मुर्गी नसदी पई आई, मुर्गी ने भाई तारा मारी हुई है ने, मैंने तारे लगाई है इसको, कड़ियाला मारी पे काम पक्का कीता है मुबशिर। उनका कुकर अंदर से बाहर ना भाग जाए इसलिए। नहीं नहीं पक गई है, लगता तो है। हाय 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 हाय, तुम्हें पानी आ रहा है सुना का, ओए ओए बच गई ने सड़ू, नहीं बच गई, ये अच्छी पक गई है, पक गई है, पक गई है, जबरदस्त क्या ही कहने। ओए 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 भाई चस करा देती है, मिसाले शिसाले मैंने लगाए, मालशी इसकी मैंने की है सारी। ओए 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 आहा बूटी चेक करो, ओए 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 जबरदस्त जबरदस्त, सोबर करो भाई, ओए 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 यार दो मिनट सबर कर लो, अम्मा जी को बुला, बेगम को बुला लो यार, अब्बा जी को सभी को बुला लो यार, उसके बाद गई है कोई किचन सॉरी चिकन भी कोई कच्ची स्मेल नहीं है, नहीं जबरदस्त लग रही है ना। वाह निकालो यार, माशाल्लाह से कुकड़ जो है ना वो तैयार हो गई है, कुकड़ को हमने बाहर निकाल लिया कल्ली से, तो कुछ इस तरह देखे माशाल्लाह से, बड़ी मजे की तैयार हो गई है, बड़ी मेहनत की है मुबशर ने, चस तक ने पहले चूड़ियां मार लिए भी निकली नहीं थी ये देखे ना। और साथ ये बनाए जी हमने चावल, थोड़े बॉयल किए हुए चावल, मटर भी डाले हुए इसमें, तो ये साफ चावल भी बनाए थे हमने, कहा थोड़े से साफ चावल हो जाए, बस आ गया, भुन्नी चंगी है, सही बनी है, ये साफ चावल बनाए थे कुछ इस तरह, ये चिकन अम्मा जी को भी दे दिए, चाचू वसीम ने प्लेट में डाल दिया, तोड़ के दिखाए ना, ठंड बैग टेस्ट करके बताए ना किस तरह की बनी है, मजे की बनी है, वाह मुबशर पुत्र वाह, सही बन गई है, बहुत मजेदार, अभी तक तो गरम है। यही थी आज की रेसिपी जो हमने आपके साथ शेयर की है, तो फिलहाल अभी हम बैठ के ये मुर्गी और चावल जो खा लेते हैं, हाँ क्योंकि आगे मौसम ठंडा आने वाला है ना, असि बला भी ला दिता है नवे से, ये देखो आप आगे सर्दी आने वाली है ना, आप आगे बड़ी मजे मजे की रेसिपी आने वाली, साग गजरेला और इस तरह की ना गरम गरम चीजें बनेंगी। ओए 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 क्या बात है भाई, मिस्सी रोटी जो है, साग नहीं गड़िया, गड्डो भाई गड्डो, साग अभी नहीं हमने लगाया भाई, वो भी लगाते हैं क्योंकि सर्दी में साग जो है ना वो हमने लाजमी खाना है।